मैं एक छोटा सा किसान हूँ, भारत माँ का लाल हूँ और पैर से विकलांग हूँ और 17 बार किसान आंदोलन में जेल जा चुका हूँ मेरठ से। किसान, मैं आपको आतंकवादी और खालिस्तानी नजर आती हूँ, मैं आपको आंदोलन जीवी नजर आती हूँ। एनपीएस कर रहे लेकिन किसान के लिए कर्ज माफी पे स्पष्ट मना कर देते हैं कि कोई कर्ज माफी नहीं होगी। बस 2 मिनट सुनिए। खूब पढ़ने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हैं, तो शुभकामनाएं दें मोदी सरकार को, ये उनका चमत्कार है। पैकेज दिया और वो कृषि जो आत्मनिर्भर बना रही थी उसको 3 काले कानून लाकर उसकी रीढ़ की हड्डी पे मारा आपने। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, किसान की लागत पर इनपुट कॉस्ट पर खर्चा निकाल कर हिसाब कर कर 50% पर मुनाफा देंगे। और फिर क्या, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, भूजो तो जानो। गारंटी प्राइस लिख दिया, एमएसपी आपने लिखी नहीं। फसल बीमा योजना की आप बात करते हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को आपने किया। पीएम किसान की आप बात करते हैं, किसान के बाद बात कर रहे थे, वैभूति किसान की वैभूति का काम अगर किसी ने किया है, उसी पीएम किसान के अंदर आपने 10,000 करोड़ काट दिए। किसान भाई भी इस वीडियो के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय बताएं और एक लाइक और शेयर कीजिए, जिससे किसानों के इस कोरोना काल में सरकार कुछ राहत दे सके। दोस्तों, कर्ज माफी का किसानों को काफ़ी समय से इंतज़ार है कि उनके प्राइवेट या राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज माफ़ किया जाए। दोस्तों, अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिए। प्लीज़ 1 लाइक।